ठीक है, आगे बढ़े बच्चे। अब जो टॉपिक हम करेंगे बच्चे, वो करेंगे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक क्या है, अंग है बच्चे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का तो सबसे आसान क्वेश्चन जो पूछ लेता है, वो कभी कभी पेपर में ही पूछ लेता है कि इसका हेडक्वार्टर बता दीजिए, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है। तो नीदरलैंड के अंदर एक शहर है बच्चे, हेग। हेग में जनरली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को एक तरह से क्या किया गया है, स्थापित किया गया, ठीक है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल भी चलता है बच्चे, सुने बात मेरी आप लोगों ने। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी वैधानिक विवाद होते हैं उसका क्या करना, समाधान करना, ठीक है। राज्यों के मध्य में अगर कोई विवाद है तो उन विवाद को एक प्रकार से क्या किया जाता है, जो हल किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वही करता है, जैसे भारत में जनरली भारत और पाकिस्तान में बच्चे विवाद था सिंधु नदी के पानी को लेकर, ठीक है। सिंधु नदी पे किसन गंगा जो है बच्चे डैम, किसन गंगा जो एक ट्रिब्यूटरी है सिंधु की, तो उसपे एक डैम बनाया जा रहा था, जिस डैम को लेकर पाकिस्तान ने क्या किया, ऑब्जेक्शन किया। फिर ये मुद्दा क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस मुद्दे पे अपना फैसला भारत के क्या किया था, फेवर में दिया था, भारत के पक्ष में दिया गया था। तो जो राज्यों के बीच में एक प्रकार का विवाद होता है बच्चे, दो राज्यों के बीच में अगर सीमा से संबंधित विवाद हो सकता है, पानी से संबंधित विवाद हो सकता है, ठीक है, समुद्रीय क्षेत्र जो है बच्चे, वो कब, समुद्री जो क्षेत्र होता है, समुद्र जो होता है बच्चे, उस समुद्र का लगभग 12 नॉटिकल और 200 नॉटिकल्स का जो एरिया होता है ना, वो उसी देश का होता है। जैसे भारत है, तो भारत के आसपास जितने भी समुद्र हैं, चाहे अरबियन सागर है चाहे हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में 200 नॉटिकल्स तक का जो एरिया है ना समुद्र का, वो भारत के टेरिटरी का पार्ट होगा बच्चे। उसमें अगर कोई दूसरा देश आता है या वहां से कोई संसाधन निकालने की कोशिश करता है, तो भारत इसका विरोध कर सकता है, और नहीं मान रहा है तो इस विवाद को उठाकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी ले जा सकता है बच्चे, ठीक है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो निर्णय दिए जाते हैं ना बच्चे, वो बाध्यकारी नहीं होते हैं, उनको बाध्य, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है और उस निर्णय को अगर बाध्यकारी बनाना है तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को सुरक्षा परिषद की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। जैसे अभी किसका, कुलभूषण का केस चल रहा है ना पाकिस्तान में, जो भारतीय एक नेवल ऑफिसर था, रिटायर्ड हो गया था, जिसको जासूसी के आरोप में, स्पाई के आरोप में पाकिस्तानी मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, कुलभूषण जाधव है बच्चे, और उसका केस जो है भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया, जहां पर यह बोला गया भारत के द्वारा कि इसके ऊपर गलत आरोप लगाकर, ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी ने इसको सजा दी है। तो अब वो मैटर जो चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह बोला कि नहीं, उसके घर वाले अगर मिलना चाहते हैं तो उन्हें आप मिलने दो, लेकिन पाकिस्तान सरकार, जब उसके घर वाले वहां मिलने के लिए जाते हैं तो बड़ा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो एक प्रकार की पाकिस्तान की जो प्रशासन है, वो क्या करते हैं, शुरू कर देती है, भेदभाव करना शुरू कर देती है। यानी कहने का मतलब, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो निर्णय है वो बाध्यकारी तो नहीं हो पा रहा। बाध्यकारी बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सुरक्षा परिषद। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को लागू कराना है बच्चे, तो सुरक्षा परिषद के द्वारा ही लागू कराया जा सकता है। आई बात समझ में? और जो सुरक्षा परिषद है बच्चे, सुरक्षा परिषद जो अपना निर्णय देता है बच्चे, वो बाध्यकारी होता है बच्चे। अगर सुरक्षा परिषद ने कोई निर्णय दिया है तो बाध्यकारी होता है और वो एक तरह से मानना पड़ता है, आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा, मानने से आप मना नहीं कर सकते हैं बच्चे। आई बात समझ में? पेज नंबर 11 पे आ जाओ। पेज नंबर जब 11 पे आओगे बच्चे, तो यहाँ पे संरचना बताई गई है, ठीक है। और संरचना में मैंने लिखा है, जैसे संरचना में अगर देखोगे तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बच्चे 15 न्यायाधीश होते हैं टोटल, 15 से अधिक नहीं हो सकते, ठीक है, 15 न्यायाधीश होंगे, ठीक है। और 15 न्यायाधीश जो है बच्चे, ठीक है, वो 15 न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है, 9 ईयर का होता है।
यानी कोई भी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बच्चे, उसका कार्यकाल जो होगा वो कितने वर्ष का होगा? 9 वर्ष का होगा, ठीक है, 9 वर्ष तक कार्य करेगा। और अभी जो भारत से बच्चे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो दलवीर भंडारी हैं बच्चे, ठीक है, ये ध्यान में रखना कि भारत के तरफ से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कार्य कर रहे हैं न्यायाधीश के रूप में, वो दलवीर भंडारी हैं। और हर मतलब क्या चीज? हाँ, फिलहाल में यही है बच्चे, अभी भी यही है, अभी इनकी नियुक्ति हुई है 1-2 साल पहले ही, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, 9 साल, अभी 2 साल पहले ही मेरे को लगती है नियुक्ति इनकी की गई है, ये 2 या 1 साल हो रहा है, हाँ 1 या 2 साल हो रहा है अभी इनकी नियुक्ति में, कंफर्म नहीं। और न्यायालय में जो बच्चे आधिकारिक भाषा है, मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहां की, वो इंग्लिश और फ्रेंच रखी गई है बच्चे, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि जो भी 15 न्यायाधीश हैं, ठीक है, वो हर देश से आएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही देश से 15 न्यायाधीश ले लिए जाएंगे, हर देश से, मतलब अलग अलग देशों से, और उसका डिसीजन लिया जाता है महासभा के द्वारा बच्चे। महासभा ही क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या करता है, निर्वाचित करता है, ठीक है, हाँ महासभा करेगा, और 2/3 वाली कंडीशन से करता है बच्चे, सॉरी 2/3 नहीं, सामान्य बहुमत वाले से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सामान्य बहुमत से न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है, आई बात समझ में? तो जब दलबीर सिंह भंडारी को जब निर्वाचित किया गया था बच्चे, तो उनके अगेंस्ट जो खड़े थे बच्चे वो ब्रिटेन के एक न्यायाधीश थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अपना नाम वापस ले लिया, इसलिए दलबीर जो भंडारी थे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो पाए थे, आई बात समझ में? तो उनके विपक्ष में ब्रिटेन के एक न्यायाधीश थे, ब्रिटेन से एक कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने भी अपना नाम क्या कर लिया, वापस ले लिया, इस वजह से जो वोटिंग हुआ था वो सारा का सारा दलबीर सिंह भंडारी के फेवर में हुआ गया, इस वजह से दलबीर सिंह भंडारी की एक प्रकार से क्या हो पाई थी, नियुक्ति हो पाई थी बच्चे। जब आगे हो गए बच्चे, तो वहां पे ट्रस्टी काउंसिल है, जिसको न्याय परिषद बोलते हैं बच्चे। आज के समय में न्याय परिषद की भूमिका समाप्त हो गई है, आज के समय में इसके पास कोई कार्य नहीं है, लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ बन, हाँ न्याय परिषद बच्चे, ट्रस्टी जो काउंसिल है, जो ट्रस्टी काउंसिल है, उसका आज के समय में आज उसके पास कोई कार्य नहीं है, ठीक है, लेकिन जब ये बनाया गया था, जब इसको बनाया गया था बच्चे, उस समय में इसके पास कार्य होता था, और ये संगठन का परिषद बनाने का जो पर्पस था, यानी जो उद्देश्य था बच्चे, वो था साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का पूर्णतः विरोध करना, ठीक है, कि कोई देश, हाँ पूर्णतः विरोध करना कि कोई देश किसी देश को अपना साम्राज्यवाद न बना ले, या अपने साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार करना न शुरू कर दे, क्योंकि साम्राज्यवाद का विस्तार भी युद्ध को जन्म देता है बच्चे, संघर्ष जैसी चीजों को उत्पन्न करता है, अराजकता जैसी स्थिति लाकर खड़ा कर देगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उपनिवेशवाद भी समस्या को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ये साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए परिषद जो था बच्चे वो क्या कर रहा था, उस समय कार्य कर रहा था, लेकिन आज तुम देखोगे उपनिवेशवाद तो नहीं रहा है, सॉरी साम्राज्यवाद दिखता नहीं है, आज के समय में साम्राज्यवाद जो है वो खत्म हो चुका है, अब कोई भी किसी देश, कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा तुम्हें आज के समय में जिसका साम्राज्य तुम्हें दिखेगा कि यहां तक इस देश का शासन है, या यहां तक ये देश अपने नियंत्रण में कुछ देशों को रखा है, जैसे 1947 से पहले जैसे ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन के कई उपनिवेशवाद होते थे बच्चे, ठीक है, उसका साम्राज्य जो था लगभग 73-74 देशों में फैला हुआ था ब्रिटेन का, वो आज नहीं है बच्चे। और पहले का उपनिवेशवाद और आज के उपनिवेशवाद में बहुत अंतर है बच्चे, आज के उपनिवेशवाद को हम लोग नव उपनिवेशवाद बोलते हैं बच्चे, और नव उपनिवेशवाद में बच्चे ताकतवर देश छोटे देश, ताकतवर देशों पर छोटे देश निर्भर हैं, और ताकतवर जो देश हैं वो छोटे देशों पर निर्भर हैं, तो अंतर निर्भरता आ गई है बच्चे वैश्वीकरण के वजह से, ठीक है। तो ये चीजें जर्नलिस्ट, तो ये न्याय परिषद में ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखना है, तुमसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा कौन सा अंग है
जिसकी अब भूमिका धीरे धीरे एक तरह से क्या हो रही है, समाप्त होने के कगार पे आ चुकी है या हो चुकी है। हाँ, न्यास परिषद, न्यास है बच्चे, ट्रस्टी है, ठीक है। आगे जब आओगे बच्चे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई है बच्चे, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है, उसमें अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर जो है ना बच्चे, वो आर्टिकल 108 में दिया गया है, यानी अनुच्छेद 108 में पूरा प्रोसीजर ही बताया गया कि किस तरह से संशोधन किया जा सकता है। तो महासभा के पास बच्चे चार्टर में संशोधन करने की शक्ति है, महासभा जो है वो चार्टर में संशोधन कर सकता है, लेकिन जब भी संशोधन करेगा बच्चे, ठीक है, तो संशोधन का जब प्रस्ताव लाएगा महासभा में, महासभा तो उस प्रस्ताव को संपूर्ण यानी टोटल के 2/3 बहुमत से क्या करना होता है, पास करना होता है। उपस्थित और मतदान वाले नहीं, टोटल का 2/3 होना चाहिए, 193 का, हाँ 193 का 2/3 बच्चे, उपस्थित और मतदान करने वाले का नहीं। तो यही इसीलिए बोला था कि प्रक्रिया जो है बहुमत का महत्व, और ला तो सकता है बच्चे, चार्ट दिया गया, लेकिन अगर सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों ने अगर वीटो कर दिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन नहीं होगा बच्चे, यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर के लिए अगर कोई रेजोल्यूशन, कोई प्रस्ताव जनरल असेंबलीज में, महासभा में लाया जाता है और वो प्रस्ताव महासभा से पास हो चुका है, लेकिन सुरक्षा परिषद के बच्चे, सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं, अस्थाई सदस्य, अगर वीटो कर देते हैं तो फिर संशोधन नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं बच्चे, इसमें अभी 2-3 टॉपिक और बच रहे हैं उसको, ठीक है, कल कर लेंगे या अगली क्लास में उसको करेंगे बच्चे, ठीक है। तो एक काम करना, इतना पढ़ तो लिया अब तुम लोगों ने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर 2005 से पलटना शुरू करना, पीछे से, ठीक है, आगे से नहीं करना है, पीछे से करते हुए आना, हाँ, आसान से टफ के तरफ जाना है, तो पीछे से क्वेश्चंस उठाना और उसको करते हुए आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब 2 ही 3 टॉपिक बचना बचा, एक तो मानवीय हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप, और अंतर्राष्ट्रीय विधियां और अंतर्राष्ट्रीय कानून, यही टॉपिक बस यूएनओ में बच रहा है, तो यूएनओ कंप्लीट हो जाएगा, तो अगली क्लास में यूएनओ को कंप्लीट ही कर लेंगे बच्चे, पूरा यूएनओ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो गुड आफ्टरनून बच्चे, थैंक यू।